रायबरेली में एक चाचा ने 3 वर्षीय मासूम भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद मामला गंभीर हो गया। बताया जा रहा है कि आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। रायबरेली में 3 वर्षीय भतीजे को चाचा ने मौत के घाट उतार दिया। चाचा ने भतीजे की पीट पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और चंदवाल गांव की यह घटना बताई जा रही है। बच्चे की कौन है आप? बच्चे की कैसे हत्या हुई है, क्या हुआ? पता नहीं सर, जो है पाछे सोई रहन। हाँ। पहले तो रात में 2-3 बार जो है ये गया है। हाँ। और उसके बाद हम बोले इधर क्या कर रहा है, तो उसके बाद और चला है। फिर सुबह में जब हमारी आंख लग गई, ये पता नहीं, जब सुबह हम उठे 5:30 बजे तो देखे बच्चा नहीं था हमारा, इधर पोलिया में पड़ा था। किस अवस्था में था? एकदम मतलब मर चुका था, उसका पैर भी टूटा है, यहाँ पे चोट लगा, पैर तोड़ के मारा गया और गला में भी निशान बने नाखून के। ये जो हत्या हुई इसकी कौन है आप? इसकी हम बुआ है। कैसे हत्या हुई है? हत्या सर अब मेरे को जो बताया जा रहा है वही हम भी जान रहे हैं, लेकिन इसको जैसे हत्या किया वैसे तो मेरे को पूरा अनुभव है कि इसको रगड़ के पेड़ में मारा है और पटका है, इसका पैर तोड़ा है। किसने हत्या किया है? मेरा भाई है मंजिला। क्या नाम है उनका? उसका अनुज नाम है। उस समय किसी को चीख पुकार की आवाज नहीं आई? चीख पुकार की बगल में सर कार्यक्रम हो रहा था, गाना बजाना हो रहा था उस टाइम में। जब ये बच्चा को लेके गया है तो ये कल की जागी हुई थी, तो परसों की जागी हुई थी, तो ये थोड़ा झपकी लग गया। बच्चा किनारे थे सर, ये रात में 2 बार पीछे जाने का कोशिश किया तो ये हल्ला कि यहाँ क्या करने आया, तो फिर नहीं बोला, चुपचाप आके अपने बिस्तर में लेट गया। जब जाना कि सो गई है तो बच्चे को चुपचाप उठा के ले गया है, ले जाके उसको अधमारा करके मार दिया। मारने के बाद वही नली के पास फेंक दिया, फेंक के आया चुपचाप अपने बिस्तर पे लेट। इसके पहले भी इसकी हरकतें ऐसी थी क्या? पहले नहीं थी सर, पहले ठीक था। ये बम्बई सर गया था, बम्बई से जब से आया तब से इसकी हालत बिगड़ी। इसकी माँ को बोले, इनके बाप को बोले, मेरे चाची हैं वो, मेरे चाचा इनको बोले समझाएं, इसका दवा पानी करवाओ, लेकिन ये लोग नहीं करवा रहे थे। ये लोग सोच रहे आधा हत्या हो जाए तो उसके बाद दवा पानी करवाए। विवाहित था या अविवाहित? जी शादी हो गई थी? नहीं सर, शादी उदी कुछ नहीं हुई थी। जनपद रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवल गांव है, वहां 3 वर्षीय बालक की हत्या की सूचना है और मौके पर पुलिस यहां पे मौजूद है, मैं स्वयं भी मौजूद हूं। और घटना जो है उसके सगे चाचा जो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है और नशे आदि का सेवन करता है, उसके द्वारा की जानी प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये तथ्य प्रकाश में आ रहा है कि वह पहले भी बच्चों छोटे छोटे बच्चों पर हमला करता रहा है और अपनी भाभी से नशे इत्यादि के लिए पैसे की मांग भी करता है और इस कारण से वो परेशान और रहता है। और कल रात की उनके घर वाले बता रहे हैं कि 3 बजे उनकी माँ के सोने के बाद बच्चे को उठा करके घर के ही पीछे, झोपड़ी नुमा घर है उसके पीछे नाले के पास ले गया है जहाँ पर उसकी हत्या कर दी है। इस संबंध में विवेचना जांच जो है आगे भी प्रचलित है। क्या ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है, खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं News UNI। इस दुर्गा पूजा News UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।